हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर्ड टू एज G77 कंट्रीज। तो G77 कंट्रीज से आप क्या समझते हैं ये पूछा है। इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ ब्रेटन वुड्स। किस तरीके से इस G77 को देख सकते हैं कि ये एक रिएक्शन था ब्रेटन वुड्स ट्विंस के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। G77 इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो G77 है इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज। तो ये जो ग्रुप था इसमें 77 कंट्रीज का ये ग्रुप था और ये सारी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज थी। दैट डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इन डेवलपिंग कंट्रीज ने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम की डिमांड करी थी, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स ये डेवलप कंट्रीज ने इसको इसकी डिमांड करी थी और इसको ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश किया था, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक था। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट के लिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड करी थी। टू गेट रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस डिमांड में क्या क्या था, इस डिमांड करी क्यों थी, ताकि जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर इन डेवलपिंग कंट्रीज का रियल कंट्रोल आ जाए। मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, डेवलपमेंट में और ज्यादा सपोर्ट मिले, कंट्रीज अपने आप को जो डेवलप कर रही हैं उनको सपोर्ट मिले। फेयर प्राइजेस फॉर रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल के सही दाम मिल सके। And better access for their manufactured goods in the markets of the developed countries. और इन developed countries में उन्हें अपने manufactured good का एक market भी मिल सके जहाँ वो अपना सामान बेच सके। ये सारी चीजें developing countries ने demand करी थी, this in new international economic order. The Bretton Woods Twins, Bretton Woods Twins में कौन कौन सी दो organization है, International Monetary Fund IMF and World Bank. Were established by the developed countries. इस ब्रिटेन वुड्स ट्विंस को किसने establish किया? Developed countries ने establish किया, काहे के लिए? To meet their financial needs. अपनी जरूरतों को, अपनी financial needs को पूरा करने के लिए developed countries ने इस ब्रिटेन वुड्स ट्विंस का ट्विंस को establish किया था। They were not at all interested in the economical development of former colonial countries and developing nations. तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये जो डेवलप कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ये लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे फॉर्मर कॉलोनियल कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस के डेवलपमेंट में, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। फॉर्मर कॉलोनियल कंट्रीज का मतलब ये हुआ कि पहले ये कॉलोनी थी लेकिन अब ये कॉलोनी नहीं है। तो इस तरह की जो कंट्रीज थी और जो डेवलपिंग नेशंस थे, दोनों के लिए ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक था, ये इंटरेस्टेड नहीं थे उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। देन व्हाइल G77 वाज फॉर्म्ड टू केटर द नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। और G77 बनाया क्यों गया था, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। देयरफॉर इसलिए इट कैन बी अज्यूम्ड, ऐसा कह माना जा सकता है दैट G77 was the result of a reaction to the activities of the Bretton Woods Twins. तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि ये जो G77 बनाया गया है, ये British Woods Twins का reaction था, इनकी इस Bretton Woods Twins के activities का reaction था। I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.